हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहन अपने ऑफिस पहुंचा ही था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड अंजलि उसे कॉल कर रही होती है, जिसे देखकर वो कहता है, इसको चैन नहीं है, अभी आने से पहले ही बात की है, लेकिन नहीं, इसको तो मेरे पल पल की खबर चाहिए। कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, कब हग रहा हूँ, हे भगवान कहाँ फंसा दिया। हाँ साले, मैंने ही तो कहा था तुझे गर्लफ्रेंड बनाने को। हाँ हाँ, आप भी फिरकी ले लो। एक मिनट, आपने मेरी बात का जवाब दिया। वाह यार, भगवान मेरे से बात कर रहे हैं। अबे चपड़ गंजू, पहले फोन तो उठा ले, वरना वो जो तेरा हाल करेगी ना, उसका इल्जाम भी तो मेरे ऊपर ही लगाएगा। अरे हाँ हाँ बेबी, पहुँच गया ऑफिस, अब तुम्हारी इजाजत हो तो काम कर लूँ। देख रहे हो ना, अब करेक्ट एक घंटे बाद कॉल करेगी, फिर पूछने के लिए कि क्या कर रहे हो। तो बेटा तेरे कर्म भी तो ऐसे ही हैं, बेचारी शक तो करेगी ही। यार भगवान, आपकी आवाज फीमेल वाली क्यों है। साले तू अब भगवान में भी जेंडर डिफरेंस करेगा। इतना कहते ही अनजान आवाज, जिसको मोहन भगवान समझ रहा था, जोर जोर से हंसने लगती है। ये सुनकर वो बोलता है, हसलो हसलो, जब जिंदगी ही झंड हो तो किस चीज का घमंड हो। बालक, मेरा हक है तेरे ऊपर हंसने का। क्यों? आप मेरे मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ बे चमन, पीछे देख। मोहन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया होती है, जो उसी के ऑफिस में काम करती है, जिसको देखकर वो बोलता है, तो इतनी देर से तू मेरे मजे ले रही थी, सुबह सुबह दिमाग का गोबर कर रही है, वो कम है क्या मेरा खून पीने के लिए। दिमाग है ही कहाँ तेरे पास, गोबर भरा है गोबर। मेरा दिमाग मत चाट और चल अब काम कर ले, वरना बॉस हम दोनों को चाटेगा, डांटेगा। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से दोनों ही काम के बीच में एक दूसरे से पंगे लेने से बाज नहीं आते थे। कभी मोहन प्रिया के बाल खींचकर चला जाता था, तो कभी वो मोहन को चाटा मारकर भाग जाया करती थी। दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में बैठे दोनों लंच कर रहे होते हैं कि तभी उनका एक साथी सागर उनके पास आकर बोलता है, और मोहन भाई, अकेले अकेले खाना खा रहे हो, तुझे मेरे साथ इतनी बड़ी भैंस नहीं दिख रही। कमीने, थप्पड़ खाएगा एक, तू होगा भैंसा गेंडा। तू हाँ तो कर, भैंस भी बन जाऊंगा तेरे लिए। वाह, फिर तो अंजलि तुझे तवेले में दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। भाई तुम दोनों एकदम पति पत्नी की तरह लड़ते हो, तुम दोनों को देखकर सच्ची मजा आता है। हो गया तेरा मजा, निकल अब यहाँ से। सागर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मोहन प्रिया की बात का जवाब देते हुए उसके कान के पास आकर कहता है, होएगा तो तुझे मम्मी और मुझे पापा कहेगा ना पागल। सुधर जा कमीने, इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है तेरी, लेकिन तेरे इस फ्लर्ट करने के चक्कर में वो बेचारी तेरे ऊपर शक करती है। अरे वो तो मेरा प्यार है, वैसे एक आइडिया है, वो घर वाली और तू बाहर वाली बन जा। वाह क्या मस्त प्लान है। तू नहीं सुधरेगा, जा रही हूँ मैं यहाँ से। प्रिया वहाँ से जाकर अपने काम में लग जाती है। शाम को ऑफिस की छुट्टी के वक्त मोहन प्रिया को घर छोड़ते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर जाता है। उसके आते ही अंजलि बोलती है, आ गए, मिल गई फुर्सत अपनी बेस्ट फ्रेंड से। बेबी यार, वो मेरे साथ काम करती है और मेरी दोस्त है, तुमको हजार बार तो बोला है। मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारा किसी भी लड़की से बात करना पसंद नहीं है, और वो तुम्हारे साथ पूरा पूरा दिन रहती है। अंजलि यार बस ना, एक लिमिट होती है शक करने की, उसने आज तक तुम्हारे बारे में एक गलत वर्ड नहीं कहा, और यार उस पे ना सही, मुझ पर तो विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 4 साल से साथ हैं हम, फिर भी इतना शक करती हो। मोहन को गुस्से में देख अंजलि अपनी बात को खत्म करते हुए बोलती है, अच्छा बेबी सॉरी, वो मैं कभी कभी थोड़ी सी ओवर पोजेसिव हो जाती हूँ। मैं तुम्हारे दोस्तों को कुछ बोलता हूँ क्या? लेकिन तुम कितना कुछ बोल जाती हो प्रिया को, यार गलत बात है। अच्छा ना, I'm sorry, अब नहीं बोलूंगी। अंजलि उस वक्त तो मोहन को मना लेती है, लेकिन वो दिल से प्रिया को मोहन के आसपास भी नहीं देखना चाहती थी, जिसके लिए वो अगले दिन ऑफिस जाने से पहले प्रिया को कॉल करके मिलने बुलाती है। प्रिया ऑफिस के पास के ही कैफे में उससे मिलने पहुंचती है, जहां अंजलि उससे बोलती है, यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मोहन की दोस्त हो ना तो दोस्त बनकर रहो, क्यों पूरा पूरा दिन उससे चिपकी रहती हो। अंजलि तुम गलत समझ रही हो, मेरा यकीन करो, मैं बस उसके बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, उसके अलावा मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करती। बस रहने दो ट्रस्ट और तुम पर, 4 साल से मैं और वो साथ है, लेकिन आज तक उसने किसी और के लिए मेरे से झगड़ा नहीं किया,
पर तुम्हारा नाम लेते ही उसका पारा चढ़ जाता है। ठीक है अंजलि, मैं उसे समझा दूंगी कि वो तुमसे ना लड़े। ओ प्लीज, ये ड्रामे मेरे सामने मत करो, बस उससे दूर रहो, समझी? तुम हमारे रिश्ते के बारे में गलत समझ रही हो। वो बस मेरा अच्छा दोस्त है। अरे मैं तो उसे दोस्त से ज्यादा अपना भाई समझती हूँ। फिर भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। अंजलि अपना गुस्सा उतार कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उन दोनों की ये बात वहाँ मौजूद सागर सुन लेता है। कुछ देर में प्रिया ऑफिस जाकर नौकरी छोड़ने की बात करती है। उसकी ये बात सुनकर मोहन उसे रीजन जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलती। इतने में वहाँ सागर आकर बोलता है, भाई मैं बताता हूँ ना रीजन। सागर कैफे में सुनी सारी बातें मोहन को बता देता है, जिसको सुनकर वो गुस्से में अपना बैग उठाकर अंजलि से मिलने निकल जाता है। ये देख प्रिया सागर से कहती है, सागर तू पागल है, तूने सुन लिया था तो उसको क्यों बताया? जो गलत है सो गलत है, उसका जानना जरूरी था। प्रिया भी मोहन के पीछे निकल जाती है। कुछ ही देर में मोहन अंजलि के घर पहुंचता है और गुस्से में बोलता है, तुमको प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना यार, कितनी बेशरम हो तुम। मैंने हजार बार कहा है वो मेरी दोस्त है, दोस्त है, लेकिन नहीं, तुम्हारे शक ने ना आज सारी हदें पार कर दी हैं। ओह तो भर दिया उसने तुम्हारे कान, मुझे लगा ही था कि वो कुछ ऐसा ही करेगी। आखिर तुम्हें छीनना जो चाहती है मेरे से। ओ जस्ट शट अप अंजलि, तुम पागल हो चुकी हो क्या? वो तो ऑफिस छोड़कर जा रही थी, सागर ने कैफे में तुम दोनों की बातें सुनी थी, उसने मुझे बताया। तुमने ना मेरे प्यार को बदनाम कर दिया, 4 साल के इस रिश्ते को ऐसे बर्बाद करोगी सोचा नहीं था। मोहन आई एम सॉरी, आई नो मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, बस इसलिए ये सब किया। इतने में प्रिया वहाँ आकर बोलती है, तुझे मेरी कसम है अगर तूने अंजलि को छोड़ा, यार वो तुझसे प्यार करती है, और कोई भी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखेगी तो जलेगी ना। प्रिया यार रिश्ते में आने वाली गलत फहमियों को बात करके सुलझाना चाहिए, ना कि किसी तीसरे पर्सन को उसके लिए ब्लेम करना चाहिए। देख यार मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कहा है ना तू बस वो कर, तुझे अंजलि को माफ करना ही होगा। पर यार पर वर कुछ नहीं, जो बोला है ना वो करो। ठीक है अंजलि, आज प्रिया के कहने पर हमारा रिश्ता बच रहा है, याद रखना दोबारा ये भूल ना हो। नहीं मोहन दोबारा कभी नहीं करूंगी, और प्रिया मुझे माफ कर दो, मैंने सच में तुमको गलत समझा, आज तुम्हारे कारण ही मोहन मुझे छोड़कर नहीं जा रहा। मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, डोंट वरी, ये मेरा दोस्त है और दोस्त ही रहेगा। मोहन अंजलि को माफ कर देता है और उसको दूसरा मौका देता है। अंजलि भी अब प्रिया की दोस्त बनकर उसके और मोहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।